हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो अगेन आज मैं आप लोगों से वीडियो किचन से शेयर कर रही हूँ, बिकॉज ये किचन से रिलेटेड वीडियो है और आप सब मुझसे पूछते हैं कि आप अपनी ग्रोसरी बताइए, यानी कि आप अपने खाने में ऐसी क्या क्या चीज़ें स्टोर करके रखते हो कि जिससे आपको जब भूख लगती है तो आप क्या खाते हो, यानी वेट लॉस से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें परचेज करते हो, अगर मैं सीधे शब्द में कहूँ। तो आज मैं आपको एक छोटी सी कैबिनेट दिखाने वाली हूँ जिसमें कि मैं सारी चीज़ें स्टोर करती हूँ अपनी। दो तीन चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अभी इधर उधर पड़ी हैं, लेकिन जो चीज़ें हो सकता है मोस्टली मैं उसे कैबिनेट में रखती हूँ ताकि मैं एक बार उसे ओपन करूँ और मुझे सारी चीज़ें एक जगह अवेलेबल मिल जाए। तो ब्रेकफास्ट से रिलेटेड, मेरे वेट लॉस से रिलेटेड, मेरी ग्रीन कॉफ़ी की मतलब सारी चीज़ें मैं उसमें रखने की कोशिश करती हूँ, टाइम को वेस्ट नहीं करती हूँ। और चलिए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। थोड़ा सा खास है इसलिए ज़रूर देखिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर अच्छा लगे तो चल फटाफट से लाइक भी कर दीजिएगा। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं। दिस इज़ माई कैबिनेट जिसमें मैं अपनी सारी चीज़ें स्टोर करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें अभी भी इधर उधर हैं, तो बहुत सारी, लेकिन मैंने एक छोटी सी कैबिनेट ले ली है जिसमें बहुत सारी चीज़ें मैं रखती हूँ। तो एक बार ओपन करके दिखाती हूँ, फिर चीज़ें नीचे उतार के भी। तो चलिए एक बार नीचे सामान उतारते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस छोटी सी कैबिनेट में क्या क्या चीज़ें हैं मेरे वेट लॉस से रिलेटेड। जो फर्स्ट चीज़ है और माय फेवरेट जिसे मैं बोल सकती हूँ, मोस्टली फ्रूट एंड नट्स मैजिक जो भी है, केलॉग्स का भी मैं ले आती हूँ, पतंजलि का भी ले आती हूँ, एक बड़ा पैकेट ले आती हूँ पूरे मंथ की। मुझे बिल्कुल भी दूसरा लाने की जरूरत नहीं पड़ती, कोशिश करती हूँ एक पैकेट में मेरा पूरा महीना निकल जाए। काफ़ी एनर्जेटिक ब्रेकफास्ट है आपका, ये कोशिश करिए ब्रेकफास्ट में इसे आप लो, और बहुत टेस्टी लगता है आप अगर हल्के गुनगुने दूध के साथ इसे लें। सारी जितनी भी चीज़ें आपको जरूरत होती हैं एक मॉर्निंग के एनर्जेटिक ब्रेकफास्ट के लिए, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। तो फर्स्ट मैं इसे प्रेफर करती हूँ, एंड मैं एक एक चीज़ करके दिखा रही हूँ। सेकेंड इज़ माई सिंजवान चटनी, और ये मैं बहुत प्रेफर करती हूँ, जो भी स्नैक्स खाती हूँ कुछ भी खाती हूँ तो एक मैं इसे रखती हूँ। देन अगर इसकी बात करूँ आंवला चूर की, तो इसका भी वीडियो ऑलरेडी है, तो ये भी मेरी ग्रोसरी में हमेशा रहता है। एंड और चीज़ें मैं आपको दिखाऊँ तो ब्रेकफास्ट में मैं कभी कभी पतंजलि की दलिया लेना भी प्रेफर करती हूँ, ये भी बहुत टेस्टी बनती हैं, क्योंकि नॉर्मल जो ओट्स होता है उसे पूरा वो जो बना के मुझे नहीं अच्छा लगता है, ये मुझे काफ़ी पसंद है। और आपको इसे जो है रोस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो चार पांच पैकेट मंगा लेती हूँ और इन्हें यूज़ करते चलते हैं। एंड अगेन माई ग्रीन कॉफ़ी जिसे मैंने पीस के रखा हुआ है और ये ख़त्म होने वाली है, तो ऑलरेडी मैंने ऑर्डर कर दिया है। माई फेवरेट ब्रेकफास्ट की और चीज़ें, इडली बैटर है MTR का, एंड माई फेवरेट उत्पम बैटर, तो इसे भी मैं ब्रेकफास्ट में लेना प्रेफर करती हूँ। एक एयर टाइट कंटेनर में ऐसे ही रख देती हूँ तो ये ख़राब ही नहीं होता। अगर ये सारी चीज़ें आप ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं तो वेट आपका बिल्कुल भी गेन नहीं होगा। इसमें ही मेरा वीट ग्रास पाउडर भी रहता है जिसे मैं लेना प्रेफर करती हूँ, इसका भी वीडियो शेयर किया हुआ है। आंवला चूर, आंवला रस, इसका भी प्रेफर किया हुआ है। अगेन एक और, ये सारी चीज़ें इसी कैबिनेट में हैं। मैं मेथी सिरप जिसे मैं बहुत अच्छे से लेना प्रेफर करती हूँ। माई मसाला ओट्स जो हमेशा लेती हूँ मैं, एंड रात में मतलब मोस्टली मैं लेती हूँ इसे। प्लेन ओट्स जैसे मान लीजिए मुझे ओट्स चिल्ला खाने का मन हुआ, या फिर दूध, मैं वैसे मोस्टली दही के साथ इसे प्रेफर करती हूँ, मुझे दूध के साथ नहीं पसंद है। ये तो प्लेन वाला ओट्स, अनफ्लेवर्ड ओट्स जिसे बोलते हैं वो। माई जो मैंने आप लोगों के साथ अपनी नमकीन शेयर की हुई थी कि जब मेरा कभी कभी खाने का मन होता है तो वो भी मैंने बना के रखी हुई, और मेरे पास हमेशा ये रखी रहती है। अगर वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर चेक करिएगा। और सारी चीज़ें मैं बताऊं तो मैंने आप लोगों के साथ न्यू हर्ब्स के सारे सीड्स भी शेयर किए हुए हैं, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स,
और ये है पतंजलि का पोहा, जिसे मुझे खाना बहुत पसंद है, वो है न्यू हॉप्स का एप्पल साइडर विनेगर, जो हर्बल वाला आया था 100% वो वाला। तो इस तरह से मैं इसमें सारी चीज़ें रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें अभी भी इधर उधर आई नो, तो वो कभी किसी और उसमें करूँगी, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे स्किन को काफ़ी अच्छा रखती हैं, मेरे हेयर्स को काफ़ी अच्छा रखती हैं, मेरे वेट लॉस में काफ़ी मदद करती हैं। तो सारी चीज़ों को मैं जो है वो अच्छे से लेना प्रेफर करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, और अगर मैं कभी अपना वेट लॉस से ग्रोसरी लेने जाऊँगी तो आप लोग साथ ज़रूर वीडियो शेयर करूँगी। तो ये सारी चीज़ें मोस्टली मैं हमेशा नहीं लेने जाती हूँ, जब मेरा ख़त्म होता रहता है तो वैसे वैसे मैं मंगाती हूँ। तो और सारी चीज़ें भी मैं आप लोग के साथ बहुत ही जल्दी शेयर करूँगी। आज मैंने आप लोगों के साथ अपनी जो ब्रेकफास्ट की जो मैं लेती हूँ, लंच में भी मोस्टली मैं क्वेनो सीड्स भी उसी में हैं वो लेती हूँ, और वो भी उसी में है। डिनर में मैं जो लेती हूँ वो भी मैंने आपको दिखाया। तो ये सारी मोस्टली इसी कैबिनेट में रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें अभी इधर उधर हैं। और बहुत ही जल्दी अगर मैं लेने जाऊँगी ग्रॉसरी, वेट लॉस से रिलेटेड ग्रॉसरी, तो उसका भी वीडियो शेयर करूँगी। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो क्वालिटी के लिए सॉरी, बिकॉज जिस उससे मैं वीडियो अपने शूट करती थी वो इस समय ख़राब हो गया है, और उसके लिए आई रियली रियली सॉरी। आई नो कि कैमरा क्वालिटी बहुत ख़राब है, लेकिन बहुत ही जल्दी मैं इसे इन्हेंस करने की कोशिश करूँगी। जो डिवाइस मैं यूज़ करती थी वो मुझसे ही टूट गई है, और उसको जो मैं सर्विस सेंटर में लेकर गई थी तो 18,000 रुपये लग रहे हैं उसमें बनने में। सो देखती हूँ, बनवाती हूँ, नया लेती हूँ, क्या करती हूँ। तो बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।